बता दें कि पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया था कि नमाजियों की संख्या सीमित करने का जो निचली अदालत का आदेश था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था कि नमाजियों की संख्या को सीमित नहीं किया जाएगा। इसी वजह से किसी तरीके की कोई सीमा है नहीं नमाजियों की संख्या पर। अब एक बार फिर से रुख कर लेते हैं खास मेहमानों का। चर्चा जो हम कर रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अनिला जी, बीजेपी की प्रवक्ता, अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है वो बार बार 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, क्या आपको लगता है कि काशी की राह में जो सर्वे दावा कर रहा है उसके अनुसार सबसे बड़ा रोड़ा ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन सकता है? मेरी सबको राम राम और अपने इष्ट को स्मरण करते हुए हर हर महादेव। देखिए 1991 का जो एक्ट बना था ये सीधे सीधे हिंदुओं की भावनाओं को प्रहार करने वाला एक्ट बना था, परंतु इसमें कहा क्या कहा जाए, जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस ने करी है, पहले तो जो हिंदू है ना वो केवल जो मुस्लिम आक्रांता थे जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण भी किया फिर राज भी किया, उसकी मार खाई, फिर ब्रिटिशर्स की मार खाई और फिर नेहरूवियंस की मार खाई। और ये तो भला हो कि 2014 में इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री जी आ गए कि जो सबका साथ सबका विकास यानी सबके विषय में वो सोचते हैं, तुष्टिकरण तो की राजनीति साल में ये नहीं सोचा कि हिंदुओं की आस्था पर प्रहार के लिए आप जो कह रही है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना उसको हटाया जाए, 8 साल तक इस बात का ख्याल नहीं आया? नहीं, बहुत सारे ख्याल आए, इतने ख्याल आए कि उन ख्यालों को पार्लियामेंट में डिस्कस करके 370 उड़ा दिया, 35A उड़ा दिया, CAA पे हम लोगों ने काम करके दिखा दिया, ट्रिपल तलाक जो है उसको क्रिमिनलाइज करा दिया, 1 नहीं 10 ऐसे कार्य करके दिखा दिए जो पहले के प्रधानमंत्रियों की हिम्मत नहीं थी, हिमाकत नहीं कर सकते थे। ये वो प्रधानमंत्री है जब उनको लगता है कि देश के लिए अच्छा है, देश की आवाम के लिए अच्छा है, वो कदम उठाते हुए पीछे नहीं हटते हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये वही सच्चाई है। अंग्रेज के औरंगजेब के नाम पर यहाँ सड़कें बनती हैं, औरंगजेब के नाम पर यहाँ पर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हाल फिलहाल में जो सबसे बड़े वकील बने हुए हैं मुसलमानों के, उनके भाई जो है चादर भी चढ़ा कर आते हैं औरंगजेब की, उनके हिसाब से मजार पे, मैं तो कहूंगी कब्र पर। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। तो धर्मेंद्र यादव जी, बीजेपी की प्रवक्ता की बात सुनकर आपको क्या लग रहा है, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जाना तय लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं अनादिकाल से बांटने की राजनीति करती है, इसी वजह से इनके सांसद खुद कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू विरोधी हैं। अब इनके सांसद की बात मानी जाए या इनके प्रवक्ता की बात मानी जाए, आज का जो विषय ज्ञानवापी है, इस ज्ञानवापी में दावा, कयास और साक्ष्य, ये मामला इसे ऊपर उठ के जा चुका है। जो मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया है और इस देश का हर एक नागरिक, हर एक पार्टी भारत के उच्चतम न्यायालय में, भारत की न्यायपालिका में विश्वास रखता है, तो मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि जो हमारे पास साक्ष्य, जिसको हम कह रहे हैं, आज हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम है, वहाँ पे सर्वे कमीशन है, वहाँ पे उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है और इतिहासकार है, हर चीज की पुष्टि वैज्ञानिक तरीके से हो सकती है, इसमें ढोल बजाने की आवश्यकता नहीं है। देश के जो बाकी नहीं, मुद्दे मुझे हैं, लगता है आप मुद्दा ही नहीं समझ रहे हैं। अरे भाई, अगर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना रहेगा तो फिर आप कुछ भी साबित कर दीजिए। जितनी टीमें आपने गिना दी, एसआई की टीम, सर्वे टीम, बाकी इतिहासकारों की आप बात कर रहे हैं, वो कह दें कि ठीक है ये प्रमाण मिल गए, लेकिन उसका स्वरूप बदलने के लिए तो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाना पड़ेगा ना। एक्ट हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ। रोमानो जी बताइए, पार्लियामेंट की है हमारी और आपकी है? बिल्कुल पार्लियामेंट की है ना, लेकिन पार्लियामेंट तो फिर जनभावना से चलेगा ना। पार्लियामेंट क्यों नहीं हटा रहा है? हटना चाहिए, हटना चाहिए। वो बांटने समाजवादी पार्टी का रुख हटा ही नहीं सकता, हटाएगा ही नहीं, उसे बांटना है बस, उसे बांटना। समाजवादी पार्टी अपने पत्ते नहीं खोल रही है? आप बताइए ना, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? 1991 में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया तो कहा गया कि साहब जो सेक्युलर फैब्रिक है, समाज का जो ताना बाना है उसको बनाए रखने के लिए 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जरूरी है। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब यह है कि 1947 में जिस धर्म स्थल की जिस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक था, अगर वो मंदिर था तो वो मंदिर रहे, वो मस्जिद था तो मस्जिद रहे। आप मुझे बताइए 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बदलना चाहिए, हटना चाहिए या नहीं? समाजवादी पार्टी का क्या टेक है? किसी भी धार्मिक चरित्र को बनाए रखना भारत के संविधान की मूल भावना भी है, अगर आपको पता हो तो। अगर भारत के संविधान की मूल भावना को बदलना आप चाहती हैं तो आप मुझे बताइए मूल भावना बदल दिया जाए। अब भारत का संविधान जो बदला जाता है वो उसका अपना एक चरित्र भी है, खूबसूरती भी कह सकती हो, तो समय के हिसाब से बदलता भी रहता है। तो अगर आप धार्मिक चरित्र को बदल के ही अपना बदलाव मानते हैं तो आप बदल लो, क्या दिक्कत होती है? ठीक है, आप जवाब दीजिए। पहली बात तो ये है कि मैं धर्मेंद्र जी से जानना चाहूंगी कि हमारी पार्टी के किस सांसद के विषय में अभी ये चर्चा कर रहे हैं। स्वामी जी का
ट्वीट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी दिखा सकता हूँ, उत्तर दे दूँ। पहली बात तो ये है कि 24 अप्रैल 2021 को वो रिटायर हो चुके हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल से किसी भी प्रकार के कहीं पे भी किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाल पर आ चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, भारत के नागरिक हैं। अगर वो सवाल उठा रहे तो इनके काम के नहीं है। बिल्कुल, जो इनके काम का बयान दे दे वो इनके काम का हो जाता है, जो इनके काम का बयान ना दे। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आ जाएं, इस पर आपने सीधा कोई जवाब दिया जी, इन्होंने उत्तर नहीं दिया, इन्होंने बिल्कुल उत्तर नहीं दिया कि ये एक्ट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। परंतु इनकी जानकारी के लिए मैं दो बात यहाँ पर कह देती हूँ। सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा कि रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो पता होना चाहिए, वो हमारी संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में, साहब इसीलिए तो सर्वे करवाया है कि वहां का रिलीजियस कैरेक्टर पता चल जाए। और रिलीजियस कैरेक्टर पता चल गया, वहां पर ना केवल त्रिशूल, शंख, पुष्प आदि जाने कितनी सारी वहां पर बिल्कुल डमरू मिला है, शेषनाग मिला है, और वो लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है। मुझे लगता है बिलाल को यहां पर आना चाहिए। और बिलाल, जो बार बार 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप जिक्र करते हैं, तो क्या आप ये नहीं जानते कि 1991 में 1991 में जब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ रहा था तब भी तो बीजेपी ने इसका विरोध किया था, तो बीजेपी के लिए कहां मुश्किल है, बदल दिया जाएगा इसको तो फिर मतलब फैसला अदालत से ही होना है ना, अदालत से ही। अगर अदालत में ये साबित हो गया कि जो मिला है वो साक्ष्य है, वो प्रमाण है, वो सत्य है, तो फिर तो कहीं कोई रोड़ा कोई अड़चन है ही नहीं। क्या इसीलिए मुस्लिम पक्ष डर रहा था सर्वे कराने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले बीजेपी को अपने पत्ते खोलने पड़ेंगे। अभी ये पत्ते भी नहीं खोल रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को हटाने के लिए प्रधानमंत्री को खुद इसमें पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि उसको हटाना पड़ेगा। मैं प्रवोक नहीं कर रहा, लेकिन ये सुनिए तो सही। अभी अनिला जी कह रही थी कि 8 साल से ही इनको, इनके हिसाब से देश आजाद 8 साल पहले हुआ है, 75 साल आज देश को, कुछ भी नहीं हुआ इस देश में, इन्होंने 8 साल मोदी जी के गिना दिए। ये असल में मसला ये है, जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना है। बेरोजगारी, एजुकेशन, डीजल पेट्रोल पर बात नहीं करेंगे, ये मंदिर मस्जिद हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था, रुमाना जी मैं बता रहा हूँ, जब उसके बारे में, जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर जजमेंट आया था तो हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कहा था, इन लोगों ने क्या कहा था कि अब हम सिर्फ और सिर्फ हमारे राम मंदिर का मसला, अब हम कोई मसले नहीं उठाएंगे, मंदिर मस्जिद पर ज्ञानवापी हो कोई सा मसला उस पर नहीं करेंगे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इनके पक्ष के लोगों ने कहा था कि अब ऐसे राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही लेकर आगे मुद्दे, क्योंकि इनके पास कोई, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, अपने मुद्दे खोलेंगे। मुझे पंडित जी के पास चलना है, सुरेंद्र शर्मा जी के पास। सुरेंद्र शर्मा जी, तो क्या ये माना जाए कि अदालत में अगर ये साक्ष्य साबित हो जाते हैं, जो सर्वे रिपोर्ट है अगर उस पर अदालत अपने फैसले से मोहर लगा देती है, तो फिर तो कोई अड़चन बची नहीं, फिर तो जनभावना के अनुरूप 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसे लेकर तर्क दिया जाता है वो तो फिर मतलब कभी भी हटाया जा सकता है, आप ये मानते हैं? उसमें तो कोई शक ही नहीं है, और वो तो बदलना भी चाहिए, और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था, हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह और जो लीडर थे उन सब ने, लाल कृष्ण अडवाणी वगैरह ने इनका विरोध किया था। और दूसरी बात ये कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए सीधी सीधी बात है, मेजोरिटी है राज्यसभा में भी लोकसभा में, ये सच्चाई को लाने के लिए अगर कानून में बदलाव किया जाना जरूरी है तो वो हो जाएगा। अगर ये सत्य में, देखिए छोटी सी बात है, मैं मौलाना साहब से पूछूंगा, इनसे हाफिज भाई से, कि देखिए शंख का, शेषनाग का, कमल के फूल का, शायद किसी मस्जिद में कोई औचित्य नहीं है। हाँ। कोई मस्जिद में किसी कमल के फूल का या सतिया, हाँ। जो हमारे एक शुभ चिन्ह है, उसका कोई औचित्य नहीं है। इन्होंने तो गिना दिया था, हाफिज साहब तो गिना रहे थे, सरवर साहब आपने तो कमल को लेकर भी एक्सप्लेनेशन दे दी, त्रिशूल को भी आपने बता दिया कि अल्लाह भी वैसे ही लिखा जाता है जिस तरीके से त्रिशूल है। ये गलत बात है, तो कोई कोई औचित्य नहीं बचता अगर मस्जिदों में, अगर मस्जिदों में इस तरह त्रिशूल या कमल का फूल या सतिया बनने लगे तो बड़ी खुशी की बात है, वो तो हमारा ही प्रचार होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सीधी सीधी बात है कि एक्ट बदलने से, सुन लो हाफिज भाई, कुछ नहीं हो पाएगा एक्ट बदलने से, एक्ट तो बदलेगा ही बदलेगा, कानून तो बदलेगा, और आप भी एक्ट बदलेंगे, आप भी हमारे, हम कोई सौहार्द की बात कर रहे हैं, अब इससे बड़े सौहार्द की बात क्या है, इससे बड़े सौहार्द की बात क्या है कि तुम भी हिंदू ही हो बुजदिल, लेकिन तुम भी हम में से हिंदू ही हो, तुम्हें कन्वर्ट कर दिया औरंगजेब ने,
आप हमारे हिंदू ही भाई हो। चलिए सर, मुझे लगता है, मुझे लगता है अभी हम लोकतंत्र में हैं और किसी के भी धर्म को लेकर इस तरीके की टिप्पणी करने से हमें बचना चाहिए। सबकी धार्मिक भावनाओं का हमें ख्याल रखना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर हैं हम और संविधान जो है सबको आजादी देता है अपने धर्म का पालन करने की। जो किसी को उसके धर्म के आधार पर बहादुर करार ना दिया जाए। एक सेकंड, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, मैं सर्वर साहब से जरा उसका जवाब लेती हूँ। सर्वर साहब आइए, वो कह रहे हैं कि साहब आप कैसे कमल त्रिशूल, आप सबको कह रहे हैं कि ये सारे इस्लामिक चिन्ह नहीं, कैसे सर? इसीलिए तो कहा है। एक मिनट उनको बोलने दीजिए। तीन महत्वपूर्ण सवाल आए हैं जी। एक सवाल, पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर आया है जी। मैं बिलाल की बातों से भी सहमत नहीं हूँ, सपा के बातों से भी सहमत नहीं हूँ और मैं भाजपा की बातों से भी सहमत नहीं हूँ। ये एक्ट जिन परिस्थितियों में लाया गया है और विरोध और समर्थन, ये तो हर कौन सा ऐसा कानून है जिसका विपक्ष ने विरोध न किया हो, आप बता दीजिए। ये विपक्ष की अपनी एक ये होती है, ये कानून प्रभावी है या नहीं है। हाँ। और ये काशी पर कितना सटीक बैठेगा, इसके लिए विधि विशेषज्ञ हैं हमारे देश में, इतना तो भरोसा हमको होना ही चाहिए। मामला जब उच्चतम न्यायालय में चला गया है तो हम यहाँ से फाइनल कोई डिसीजन नहीं देंगे। तू एक बात, दूसरी बात, मुस्लिम पक्षों से मैं विनती करता हूँ, जितने भी धर्म गुरु हैं, एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल पर्सन हैं, बार बार आप मोदी जी को प्रोवोक न करें, बदल के दिखाओ, हटा के दिखाओ, तोड़ के दिखाओ। ये तरीका बिल्कुल बदलना होगा। यही तरीका अयोध्या में अपनाया गया था मुस्लिम पक्षों के द्वारा। मैं इसका सख्त विरोधी हूं। आप जरा एक तो लोग डायलॉग नहीं कर पाते। आपको क्या डर है इस प्रोवोकेशन की वजह से बदल जाएगा? यस 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 हो जाएगा। आप जब बार बार सरकार को चैलेंज करेंगे, सरकार ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, आपने लीगल डिस्कशन नहीं किया, आपने क्या कहा हलफनामे में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा हलफनामे में, गलत तो है ये जो है, बिदत है, तलाक बिदत है। पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया, जब बिदत है यानी कि गलत है तो आपने बदलाव क्यों नहीं किया, और आपने नहीं किया तो सरकार को मैं कह रहा हूँ बदल दे, सरकार ने बदल दिया। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्षों में ये बीमारी फिर आ गई है। ठीक है, बीमारी आ गई है बिलाल, मुस्लिम पक्ष में बिलाली फिर आ गई। एक सेकंड इस पर जवाब देने दीजिए पहले। ये इनका पर्सनल बातें ये जो है कर रहे हैं सारी, मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये देश आस्था से नहीं चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। नहीं, मैं समझ रहा हूँ उनकी राजनीति जो चल रहा है। ये कह रहे हैं कब तक इस देश में हम डर करेंगे? आप मोदी का डर दिखा रहे हैं। लड़के नहीं रहेंगे हम, कानून से रहेंगे। ये मत करिए, कानून से, हम कानून की बात कर रहे हैं। बात हम कानून मोदी जी को हम सम्मान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 8 साल के अंदर देश ऐसा होगा। 75 साल से हम इस देश के अंदर आजाद नहीं थे क्या? जैसे मोदी जी आए उसी उन्होंने देश को आजाद कराया। आप ये भावना मत करिए, हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। आप ये बताइए, आप बात कर रहे हैं संविधान के साथ में चलेंगे, संविधान से चलने वाले हम डर के नहीं करेंगे। देखिए, मुसलमान ऐसे रहेगा जैसे यूएसए में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, फ्रांस में रह रहे हैं, जर्मनी में रह रहे हैं, वैसे ही भारत में रहिए। धर्म के आधार पर इस देश को खंडित कर दिया गया था, फिर वहाँ पर इनको देखिए, जब खंडित किया धर्म के आधार पर, खंडित किया गया शब्द का मेरे पास बहुत जवाब है। ठीक है, और दूसरी बात, अभी जैसे ये बिलाल साहब है यहाँ पर धमकी दे रहे थे कि लड़ेंगे, भाई लड़े लो आपने कहा, ये देश आजाद हुआ है 75 साल से, आप कुछ देश के अंदर कुछ नहीं हुआ। सारे जितने भी मेरी बात सुनिए, आपके मसले रहते हैं, आपका नजरिया पूरा भारत समझता है मैडम। क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही बना हुआ है कि ज्ञानवापी का सच क्या है और इसमें बात घूम फिर कर फैलाती है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 3 बजे सुनवाई है। ABP News, आपको रखे आगे।